नमस्कार, स्वागत है आपका तृप्ताज रेसिपी में। दिवाली आने वाली है दोस्तों, तो अब हम दिवाली के कुछ स्पेशल डिशेस बनाना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपके पास सामने लेके आई हूँ शंकरपाली। चलिए उसके इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। ये मैंने एक छोटा बाउल जो है घी लिया है, एक बाउल दूध लिया है और शक्कर लिया है। ये टोटल हो गए 3 बाउल ये घी दूध और शक्कर मिला के। तो इसी का डबल हमें मैदा लेना है, जो कि मैंने 6 बाउल ऑलरेडी इसमें निकाल के रख लिया एक बर्तन में। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, बड़े बर्तन में मैदा को छान लेंगे। को अच्छे से छान लेंगे ताकि अगर इसमें कुछ कचरा रहे तो वो अलग हो जाए और कोई लम्स भी ना रहे। मैंने गैस पे कढ़ाई चढ़ाई है, इसमें घी को हम थोड़ा सा पिघला लेंगे और फिर इसको मैदे में डालेंगे। ये देखिए घी हमारा पिघल चुका है, 1 ही मिनट लगा है, ज़्यादा टाइम नहीं लगा है। अब इसको मैं इस मैदे में डाल रही हूँ। अब जो हमारी शक्कर है उसको हम या तो मिक्सर में पीस लेंगे, या फिर आपको पीसी हुई शक्कर भी मार्केट में मिलती है वो आप लेंगे। तो उस केस में याद रखिएगा, ये जो 1 बॉल ली है इससे थोड़ा ज़्यादा लें आप पीसी हुई शक्कर, क्योंकि जब भी पीसते हैं तो इसकी क्वांटिटी बढ़ जाती है। तो हम ले लेते हैं, इसको पीस लेते हैं। ये शक्कर पीस के हमने तैयार कर ली है। ये हमारा दूध है, अब एक बर्तन में हम ये दूध डालेंगे और इसमें शक्कर डाल के 1 से 2 मिनट के लिए, जब तक शक्कर अच्छे से इसमें घुल ना जाए, इसको हम गैस पे पका लेंगे। बहुत ज़्यादा भी इसे नहीं उबालना है, सिर्फ जब तक शक्कर अच्छे से घुल ना जाए। अगर आप चाहें तो सिर्फ नॉर्मल टेम्परेचर पे दूध ले सकते हैं, और जो शक्कर का पाउडर है या चीनी का पाउडर वो डायरेक्टली इस मैदे में हम डाल सकते हैं। ये देखिए अच्छे से घुल चुका है। अब मैं गैस बंद कर रही हूँ, मुझे सिर्फ 1 ही मिनट इसमें लगा है, ज़्यादा टाइम नहीं लगा है। अब इसको हम गैस से उतार लेंगे। हमें इसे सॉफ्ट डो बनाना है। पहले तो मैं घी को अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ, इस तरह से हाथ से मसल के। अब धीरे धीरे करके हम इसमें ये जो दूध और शक्कर का हमने जो घोल बनाया है वो इसमें डालेंगे और डो बनाएंगे हमारा। ये जो मैंने दूध का यूज़ किया है, इसकी जगह आप पानी भी यूज़ कर सकते हैं, पर दूध से इसका टेस्ट अलग ही आता है और कलर भी बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं होता है, इसलिए अगर आप दूध यूज़ करेंगे तो ये ज़्यादा अच्छा बनेगा। अगर नहीं करना चाहें तो आप पानी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ये देखिए ये डो हमारा तैयार हो चुका है। सॉफ्ट डो ही बनेगा इसके लिए, हार्ड नहीं बनाना है हमें, मठरी नहीं बनानी। अब इसको मैं
ढक के एक बर्तन में 20 से 25 मिनट के लिए रख दूंगी। उसके बाद हम हमारे शंकरपाले बनाएंगे। चलिए अब 20 मिनट हो चुके हैं, ये डो हमारा थोड़ा और सॉफ्ट हो चुका है। आप चाहें तो इसको आधे घंटे के लिए भी रख सकते हैं, बट मैं 20 मिनट में ही अब बनाने वाली हूँ। तो अब हम इसकी धीरे धीरे करके इसको बेल के कट करके इसकी शंकरपाले बनाना शुरू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसको बहुत पतला भी नहीं बनाना है हमें, थोड़ा मोटा ही रखना है। ये देखिए, ये कुछ इस तरह का होना चाहिए। ऐसे ही करके हम सारे बना लेंगे। ये शंकरपाली आप अपने हिसाब से शेप कर सकते हैं। मैंने ये चकोर किया है। आपको अगर स्क्वायर नहीं चाहिए, आपको किसी और शेप में चाहिए, तो उस शेप में कट कर सकते हैं। प्लस आप इसको मोटा जितना आप रखना चाहें, वैसे मुझे थोड़ा मोटा पसंद है। और मार्केट में भी अगर आप ख़रीदेंगे तो आपको थोड़ा इस इतना ही मोटा आपको मिलेगा। पर अगर आपको पतला खाने का शौक है तो आप वो भी कर सकते हैं। इसको थोड़ा पतला बेलें और फिर उसको फ्राई करें। ये जितना मैंने आटा बनाया था, डो बनाया था, उसके आधे का मैंने अभी बनाया है। थोड़ी देर बाद मैं आधे का बनाऊंगी। तो इसको पहले हम फ्राई कर लेते हैं। तो फ्राई करने के लिए मैंने गैस पे कढ़ाई चढ़ाई है, उसमें तेल गरम होने को रखा है। तेल हमें मीडियम गरम चाहिए, बहुत ज़्यादा गरम नहीं चाहिए, वरना क्या होगा, बाहर से तो ये पक जाएंगी पर अंदर से अच्छे से पकेंगी नहीं। तो मीडियम गरम ही हमें तेल चाहिए। और जब हम फ्राई करेंगे तब भी फ्लेम जो है उसको लो और मीडियम के बीच में ही रखना है। तो चलिए थोड़ा सा चेक कर लेते हैं तेल हमारा कितना गर्म हुआ है। एक छोटा सा टुकड़ा इसमें डाल के देखेंगे। ये देखिए, इसमें से थोड़े से बबल्स आ रहे हैं। बस इतना ही गरम हमें तेल चाहिए। इसमें हम हमारे जो शंकरपाले हमने बनाई हैं वो हम इसमें धीरे धीरे करके डालेंगे।
चलिए 6 मिनट हो चुके हैं मुझे इनको लो फ्लेम पे फ्राई करते हुए। कलर बहुत ही अच्छा आया है। अगर आप इसे थोड़ा डार्क खाना चाहते हैं तो उसको और थोड़ी देर पका सकते हैं, बट शंकर वाली हमारी हो चुकी है, मुझे थोड़ा लाइट कलर ही पसंद है। तो मैं अब इसको बाहर निकाल लूँगी तेल से। ये देखिए, अब ऐसे ही करके हम धीरे धीरे बाकी के भी फ्राई कर लेंगे। हमारे शंकर पाले बन के तैयार हो गए। आप इनको ठंडा होने के बाद किसी एयरटाइट कंटेनर में स्टोर करके 1-2 हफ्ते तक आराम से रख सकते हैं। थैंक यू। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।